मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील शासक कहा जाता है सपना में अगर कोई दिख लिया ना अच्छा हमने टैक्स बदला था उठेगा रतिया बजे लाओ तो मेरा हो गया टैक्स बढ़ा दो बढ़ा दो सुबह से लड़ना ही था ना मंगोल पे चढ़ाई कर देता कराची भेज के जबरदस्ती उनको ठंडा से मरवाने की जरूरत है कहीं और भेज देता है आप राजधानी चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ से दिल्ली से कहाँ चलेंगे देवगिरी दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद जब पहुंचा आधा आदमी मर गया कहा कि यार ये तो गलत हो गया आधा आदमी क्या हुआ तो कह लो मर गया लो कहा वापस चलो <laughs> वापस चलो भारत <गया। laughs> सरकार क्या करती है उस पर इतना ना डिजाइन उजाइन बनाई ले रहती है पहले उसमें गेहूं बना रहता था एक रुपया में गेहूं मिल जाता था अभी ठेंगा बनाता है कुछ नहीं मिलेगा जरूरत के हिसाब से संकेत भी क्या हो जाता है अभी क्या ठेंगा ले ले लोग नहीं समझ पाए तो हम क्या करें यहाँ पे सरकार पहले से इशारा करे ना मिल तो कुछ पहले उसमें गेहूं बना होता था तो आप बताइए इसका ये योजना फेल हुआ कि नहीं हुआ हाँ यार बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है दिल्ली के लोग पढ़े लिखे इसको गरिया रहे थे छोटा शासक बना है यहां पे तो कहा कि यार ये दिल्ली की जनता को कब समझ में आएगा कि राजा की इज्जत करनी चाहिए ये दिल्ली की जनता ठीक नहीं है एक काम करते हैं हम राजधानी बदल देते हैं दिल्ली से ये दिल्ली है दिल्ली में दो रीजन था एक वो दिल्ली की जनता इससे उबी हुई थी दूसरा मंगोल का हमेशा आक्रमण का खतरा होता था इसलिए राजधानी कहा कि देवगिरी ले चलो दौलताबाद या देवगिरी उसी का नाम है कहा कि राजधानी चलना है अब ध्यान से समझिए यहाँ बीच में आकर देखोगे थार मरुस्थल पड़ेगा यहां नर्मदा और ताप्ती नदियां पड़ेंगी सतपुरा और विंध्याचल पर्वत पड़ेगा इतना टफ चैलेंज है अले के चल दिया जानते हैं बैला कब चला था गर्मी के दिन में आप बताइए गधा को इस समय चलना चाहिए नवंबर नौ, में नवंबर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि कोई गर्मी से मर जाए और ना ही इतनी ठंड पड़ती है कि कोई ठंडा से मर जाएगा तो लेके चल दिया कब गर्मी के दिन में कहा कि सब लोग चलो राजधानी चेंज हो रहा है हम लोग यहां से दिल्ली से कहां चलेंगे देवगिरी दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद जब पहुंचा तो आधा आदमी मर गया कहा कि ये तो गलत हो गया आधा आदमी क्या हुआ तो कह लो मर गया कहा वापस चलो <laughs> वापस चले <गया। laughs> वापस लेके चल गया उसको भी मार डाला जो बचल कुछ थे, उनको ले जाकर वापस मार डाला साझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा देखिए इतना बड़ा बैल था यहाँ पे वापस दिल्ली आया तो दिल्ली वाला और करो आया सच <laughs> अभी पगला गया ये कहा कि अब हमको कोई बढ़िया डिसीजन लेना पड़ेगा फिर ही कि ऐसे काम नहीं चलेगा अब हमको राजा को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा <laughs> पूरी दिल्ली की जनता डर गई अब कौन तांडव करने वाला है इसने कहा ना एक काम करते हैं ईरान पर आक्रमण करते हैं कहा आक्रमण करते हैं ईरान इसका यह डिसीजन अच्छा था ईरान पर आक्रमण करने का ईरान उस समय बहुत समृद्ध था और राजा को ही सब करना पड़ेगा युद्ध आक्रमण सब नहीं करेंगे ना तो बैठक बन के <laughs> राजा को बहुत कठोर होना पड़ेगा सेना अगर दया दिखाने लगे तब तो, तो हो गया लड़ चुकी वहां पर सेना सेना को दिखाया जाता सामने कोई डिस्प्यूट दिखे मार दो अगर उसको आदेश है ना अगर मान के चलिए हवा से भी झाड़ी उड़ी हिल रहा चार गोली मार देगा यहाँ पे धर धर जा यहाँ पे कोई होगा निपट गया होगा <laughs> नहीं कि देखने उखने के लिए कि कौन है कौन नहीं है निपटा दो यहाँ पे इतना थोड़ी सोचेगा सेना तो हमला करने के लिए रेडी रहा और तीन लाख की फौज खड़ा किया कितने की और तीन लाख फौज को वेतन दे दिया एक साल एडवांस का एक साल एडवांस वेतन दिया तीन लाख सैनिकों को कहा कि किसी भी क्षण हम आक्रमण करेंगे इसलिए तुम्हें घर नहीं जाना तो उसने भी कहा कोई बात नहीं रेडी टू मूव रहना है सेना कभी कभी चढ़ाई हो जाती है ना जैसे हम लोग में भी गलवान घाटी में हुआ था तो सबका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया था बिहार रेजिमेंट सिख रेजिमेंट माउंटेन रेजिमेंट सबकी छुट्टी कैंसिल सब वहीं पे जाके खड़े रहेंगे तो इसने तीन लाख की फौज खड़ा किया और कहा कि सबको रेडी रहना हम किसी छड़ आक्रमण कर सकते हैं छ महीना बीत गया आक्रमण ही नहीं किया घर ऐसे फोन आता था सैनिकों को हुए रहो घरे नहीं आना है लड़का का एडमिशन कराना है <laughs> अब मोहम्मद बिन तुगलक का आदेश था कहीं भी हमला हो सकता है ऐसे करते करते सात आठ महीना बीत गया अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि कब आक्रमण होगा कब नहीं और इसकी तीन लाख की फौज भी बेताब थी कि भाई साहब आठ महीना से रख ले ऐसे दस महीना बीत गया तो सैनिकों ने कहा कि दस महीना काट लिए हैं दो महीना में क्या आक्रमण करबे करेगा जब आखिरी महीना हुआ बारह महीना तब तो पूरे सैनिक सब एकदम थे कि आप तो होगा ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक जाके दोस्ती कर ईरान <laughs> के शासक से क्या कर लिया दोस्ती कर लिया <laughs> उसके सैनिक सब आग बपूला हो गए सब <laughs> क्या सब रे चोटा कहीं का <laughs> जब दोस्ती है करना था तो पहले ही कर लेता आक्रमण की जगह क्या कर दिया दोस्ती कर अब इसके पूरे सैनिक आग बबूला हो गए इसको सूचना मिला कि सैनिक बगावत करने वाले हैं अरे हमसे बगावत हमसे बगावत करेंगे सब जब हमारा अच्छा डिसीजन इतना खतरनाक है <laughs> 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 तो हमारा अब खराब डिसीजन देखो ये तीन लाख सैनिकों को क्या कहा पता है जाके कराचील पर आक्रमण करो कहां पर कराचील कराचील हिमालय के उस पार था पीछे में ठंडा मार दिया सब कहा हमसे आएंगे लोग मार डाला सब सबको अरे हिमालय में आज के डेट में साइंस इतना डेवलप कर गया फिर भी सियाचिन वगैरह में कितना दिक्कत हो उस समय कपड़े वपड़े उतने थोड़ी थे यही सब भेड़ और के बाल का कपड़ा बनाया जाता था इस सारे डिसीजन के पीछे एक गलती थे जानते क्या किसी से सलाह नहीं लेता था ईरान पर आक्रमण खैर ये डिसीजन कोई अच्छा या खराब नहीं कर सकते क्योंकि राजनीतिक डिसीजन लेना पड़ता है लेकिन जब तीन लाख की सेना थी तो कराची में भेज के मरोला बिना क्या जरूरत था कहीं और हमला कर देता लड़ना ही था ना मंगोल पे चढ़ाई कर देता कराची भेज के जबरदस्ती उनको ठंडा से मरवाने की क्या जरूरत है कहीं और भेज देता है यहाँ पूरा डिसीजन खराब था और लोग जब इसको गरियाने लगे ना तो कह रहे मेरा साम्राज्य ही बीमार पड़ गया है <laughs> अरे अपने मानसिक बीमार था और कहा कि मेरा पूरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है बीमार हो गया है मानसिक संतुलन खो गया है लोगों ने कहा कि रे बहला समाज का मानसिक संतुलन नहीं खोया है तुम्हारा मानसिक संतुलन खो गया है मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील शासक कहा जाता है सपना में अगर कोई दिख लिया ना अच्छा हमने टैक्स बदला था उठेगा रतिया दू बजे आदेश पाल लाओ तो मेरा सियाही हो गया टैक्स बढ़ा दो बड़ा तो सुबह से सुध गया जाएगा स्वप्नशील शासक कहा जाता है विरोधाभास का मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा था सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था 22 से 23 भाषाओं का जानकार था पूरे दिल्ली सल्तनत में इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था पूरे दिल्ली देखिए पढ़े लिखे लोग में एक खराबी हो जाता बहुत घमंडी हो जाता है सब नहीं समझे अपने सेवा किसी को सुनवे नहीं करता है सब उलाट पलाट देता है पे। पे बताइए एक, एक चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया किसी को कोई दिक्कत मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब ये मर गया ना तो इसकी जनता खुशी मनाई थी अरे <laughs> भाई जनता को छुटकारा मिला समझा गया जब ये मरा था तो इतिहासकारों ने लिखा था कि जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल